हेलो गाइस, तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है GTA एपिसोड नंबर 11 पे। तो देखो भाई, फ्रैंकलिन अब जो पिछले वाले एपिसोड पे जो हम लोगों ने लूट की थी उसके बाद देखो फ्रैंकलिन को पूरी तरीके से गेटअप में तैयार करवा दिया है। और जो हम लोगों ने कार परचेज करी थी पेगासी वाका, उसको भी फुल्ली मॉडिफिकेशन करवा दिया है। तो देख लो भाई एक बार कार को, आगे की जो हेडलाइट है उसको हल्का ब्लू कलर का हम लोगों ने लगवा दिया है। नीचे साइड पे नियॉन लाइट येलो कलर का लगवा दिया है। तभी देखो माइकल ने कॉल करा था फ्रैंकलिन को और माइकल ने बोला है कि भाई आ जाओ घर पे, पार्टी करते हैं। जो हम लोगों ने पिछले वाले एपिसोड पे जो रॉबरी करी थी उसके बाद, तो देखो जिन लोगों को भी नहीं मालूम है, पिछले वाले एपिसोड पे हम लोगों ने वेंजेल को ज्वेलरी शॉप जो लॉस सैंटोस पे है वहाँ पे हम लोगों ने माइकल, लेस्टर और फ्रैंकलिन और लेस्टर की टीम, इन सब ने मिलकर रॉबरी करा था। तो काफ़ी अच्छी रॉबरी करी थी क्योंकि माइकल के ऊपर 2.5 मिलियन पे करना है मार्टिन मदारचो को, जो डॉन है यहाँ का। तो अभी भाई ये कार क्या ही तगड़ी चल रही है भाई, मॉडिफिकेशन कराने के बाद तो भाई तगड़ी चल रही है। तो अभी फटाफट से चल जाएंगे लेस्टर के घर और देखते हैं कि वहाँ पे और को भी कोई आया हुआ है या फिर माइकल और फ्रैंकलिन मिलकर ही पार्टी करेंगे। वो भाई आगे की लाइट गई मेरी, तो कार की थोड़ी सी लग चुकी है क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी डेंट पड़ चुका है कार को। तो कोई नहीं, इसको जाके हम लोग मॉडिफिकेशन करवा लेंगे एक बारी, क्योंकि करवानी तो पड़ेगी। आगे के भी दोनों हेडलाइट टूट चुके हैं भाई, थोड़ा सा दिल पे लगा, कोई नहीं, तो अमाउंट पेड करना पड़ेगा उधर जाके हम लोगों को। तो यहाँ पर देखो फ्रैंक माइकल भाई लगा पड़ा है आगे से ही, ड्रिंक पे ड्रिंक लिए जा रहा है भाई। ओहो क्या ही बात। तो अभी जो अमाउंट मिलेगा वो हम लोगों को लेस्टर देने वाला है, क्योंकि लेस्टर ने ही प्लानिंग करके रखी हुई थी पूरी तरीके से। और ज्वेलरी शॉप की जितने भी ज्वेलरी है हम लोगों ने रॉबरी करके लेस्टर के लोकेशन पे छोड़ दिया है और लेस्टर ही डील करने वाला है उन सबको। तो अभी यहाँ पे तो इन लोग पार्टी कर रहे हैं, उसके बाद आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। तो भाई यहाँ पे कोई आ चुका है, तो इसको मैंने कभी देखा नहीं है। तो डेवी इसका नाम है, तो माइकल जो है इसको जानता है काफ़ी अच्छे तरीके से। और ये जो बंदा है ये आया हुआ है उस रॉबरी के बारे में, क्योंकि ये जानता है कि माइकल जो है वो पहले क्या करता था, इस वजह से ये यहाँ आया हुआ है। तो अभी देख लो भाई, टीवी का रिमोट लेकर टीवी की न्यूज़ जो है उसने ऑन कर दिया और वो न्यूज़ को बताना चाहता है कि देख लो। तो माइकल फुल्ली इग्नोर कर रहा है कि भाई ये सब मैं नहीं करता हूँ। तो भाई लेस्टर पूरी तरीके से, मतलब लेस्टर नहीं माइकल, तो भाई वहाँ पे ट्रेवर की बात हो रही थी कि ट्रेवर जिंदा है या मर चुका है। तो माइकल सोचता है कि ट्रेवर मर चुका है, बट स्टिल देखो ये जो बंदा है ये है ट्रेवर, हम लोगों को पहले वाले एपिसोड में मिला था जो बैंक रॉबरी पे। ओ भाई, तो ये बंदा भाई साइको है पूरी तरीके से। तो भाई छोड़ दे भाई, भाई मर जाएगा भाई, भाई बंदा सही में ट्रेवर एक तरीके से साइको है। इसीलिए ट्रेवर अभी इतनी लेट से हम लोगों को मिल रहा क्योंकि वो वहाँ पे रहता, तो जिस तरह से हम लोगों ने रॉबरी करी थी वो नहीं होने वाला था। क्योंकि तो ये ट्रेवर जो है खून पे उतर जाता है भाई, थोड़ी सी बात के लिए भाई इतना कोई बवाल कोई करता है क्या भाई, जान से ही मार दिया उस बंदे को। तो भाई वो की तो हो गई, टाटा बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय मिलते नहीं है भाई, तेरे तब कभी नहीं मिलेंगे, तेरा टिकट कट चुका है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इसका खून खुल चुका है, खून इसलिए खुला है कि भाई ये भी न्यूज़ वही टाइम पे देख रहा था जब वहाँ पे माइकल की टीवी ऑन थी, और इसने न्यूज़ पे जो सिक्योरिटी गार्ड को भाई माइकल का एक जो डायलॉग है उसने पहचान लिया कि ये माइकल ही मारता है इस वजह से। क्योंकि भाई माइकल जो पहले वाले एपिसोड पे भी यही बात कहा था कि भाई तुम बहुत सी चीज़ें देखते हो कि हर एक दिन इनमें से ये भी उनमें से एक ही है। तो भाई ये जैसे ही सुना है इसके दिमाग की बत्ती उड़ गई, ये जान गया। अभी क्या है कन्फ्यूजन क्या थी यहाँ पे कि देखो माइकल जो है वो सोच रहा था कि ट्रेवर मर चुका है, ट्रेवर सोच रहा था माइकल मर चुका है, बट यहाँ पे दोनों के दोनों जिंदा हैं। और यहाँ पे अब जो है ट्रेवर पूरी तरह से गुस्से में है और यहाँ पे माइकल को वो खोजने के लिए पूरी तरह से परेशान है। तो ये अपने टीममेट्स को बोल रहा है कि भाई माइकल को खोजो, लॉस सैंटोस पर वो रहता है इस वजह से। तो अभी क्या है कि ट्रेवर जो है वो माइकल से कम मिलता है, देखना पड़ेगा। और भाई क्या यहाँ पे ये इतने पे मतलब गुस्से पे है ना भाई, देख लो लोगों को भी नहीं पहचान रहा अभी। तो अभी यहाँ पे ये क्या है कि फिलहाल ये पहुँच चुका है काउबॉय के गैंग के पास, जिस बंदे को अभी थोड़ी देर पहले पहला है ना इसने, उसी बंदे के गैंग के पास पहुँच चुका है। और भाई क्या है बताऊँ, पूरा साइको है बंदा, सच में भाई कसम से बता रहा हूँ, ये बंदा पूरी तरह साइको है। और भाई खौफ तो भाई इसके नेक्स्ट लेवल है,
इस बंदे ने अकेले आके उनके पूरे गैंग को हिला दिया यहाँ पे, मतलब क्या ही धमकी दी भाई। और धमकी देने के बाद तो मतलब अब हम लोगों को उस बैंक को फॉलो करना है। और भाई इसने तय कर लिया, जिस तरह से पहले एपिसोड में इसने तय कर लिया था कि भाई पुलिस वाले को बजाना है तो बजाना है, उसी तरह से अब इसने सोच लिया है कि भाई अब इन लोगों को बजाना है। तो जितने भी काउबॉय के बंदे हैं वो डर चुके हैं पूरी तरीके से, और ये लोग अपने गैंग के पास जा रहे हैं फुल्ली, जहाँ पे गैंग इनकी रहती है वहाँ पे। तभी इन लोगों को जैसे ही हम लोग पेलते हैं उसी के बाद ही देखेंगे क्या होने वाला है। तो हम लोग बिल्कुल पीछे पीछे जा रहे हैं, ऑफ रोड है, कार व्हीकल जो है हमारी उसकी थोड़ी सी हैंडलिंग की प्रॉब्लम है और ब्रेक भी भाई सही टाइम पे लगता नहीं है। बस हम लोगों को यही रोड पे चलना है, साइड पे जहाँ गए एक बारी तो फिर से एक बारी रीस्टार्ट हो जाएगा मिशन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए भाई। देख लो ब्रेक की आवाज़ आ रही है बट कार पे ब्रेक ही नहीं लग रही है। कोई बात नहीं, तो चलते जाएंगे हम लोग। ये देख लो भाई हैंडलिंग, ओ भाई भाई हमारी कार घूम गई भाई। मैप से बाहर नहीं निकलना चाहिए वो लोग सिर्फ, क्योंकि अगर मैप से बाहर निकली ना तो भाई साहब फिर से वापस से रीस्टार्ट मिशन। तो कोई नहीं, वो लोग राइट साइड से गए, हम लोग लेफ्ट साइड चलते हैं, रास्ता बिल्कुल सामने पे ही मिलने वाला है। तो जी तो चाह रहा है मेरा कि उन लोगों के ऊपर चढ़ा दूँ, बट देखो कोई नहीं, चढ़ाना नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो उन लोगों को पीछे ही करते हैं, कभी ना कभी जब आएगा टाइम उस टाइम पे इन लोगों के ऊपर जरूर चढ़ा देंगे हम कार को लेके। तो अभी कितने दूर जाओगे दोस्त? ट्रेवर वन ऑफ द बेस्ट साइको, मेरे को अभी तक जितने भी करेक्टर मिले हैं, लेस्टर तो भाई फुल्ली दिमाग वाला आदमी है, ब्रेन उसका बहुत बड़ा है भाई, पूरा का पूरा प्लानिंग करता है तगड़ी वाली। और जो माइकल है वो रॉबरी करता है, और फ्रैंकलिन भी रॉबरी करता है, तो यहाँ पे एक तो डाउन हो गया। और भाई ट्रेवर पहले इंट्री में ही भाई पहले बंदे को ही उड़ा दिया, क्या ही मतलब गुस्सा भाई नेक्स्ट लेवल। दूसरा भी गया भाई यहाँ पे, तो अब बचा है मात्र वैन। तो अब वैन को देखते हैं कि कितने दूर तक हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो भाई कार की स्पीड ऑलमोस्ट ठीक ही है, 110-115 इस तरह चल रही है, ऑफ रोड के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑफ रोड पे ज़्यादा अगर हम गए 200 पे तो भाई कार उड़ने लगेगी हमारी, चलेगी नहीं इस वजह से। तो अभी देखते हैं कि और कितने दूर तक इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लोग गाड़ी को लेफ्ट पे ले रहे हैं धीरे धीरे करके, और गाड़ी को स्लो भी कर रहे हैं। तो हम लोग लोकेशन पे पहुँच चुके हैं अपने, तो यहाँ पे भाई मार्क तो आ चुका है हम लोगों को मैप पे, 3-4 बंदों का मार्क दिख रहा है। तो यहाँ पे अब फाइटा करते हैं, तो भाई ट्रेवर उधर चुका है गोली की आवाज़ में। तो भाई यहाँ पे रेज मोड करके कुछ है ट्रेवर के पास, तो भाई ये बंदा, ओ भाई रेज मोड पे तो भाई ब्लड क्या ही निकलता है बंदे, भाई नेक्स्ट टेबल भाई। तो इसके पास एक शॉटगन है, एक पिस्तल है, और साथ में एक एबिलिटी है जो है रेज मोड, काफ़ी तगड़ा रेज मोड मेरे को लगा। तो अभी सबको बजाने का टाइम आ चुका है, थोड़ा सा छिप छाप के फाइट ले लेते हैं क्योंकि मरना नहीं है। तो यहाँ से अभी बंदे आ रहे हैं राइट साइड पे, गैस के सिलेंडर भी पड़े हुए हैं, रेज मोड ऑन करते हैं और देते हैं। तो भाई ये सब जितने भी गैस के हैं, भाई तू मर जा भाई, भाई ब्लड तो इतने इतने निकल रहे हैं कि मतलब पूछो ही मत, चल तू भी मर जा, सो जा चुपचाप। एक तो गया गैस, दूसरा वहाँ दूर पे देखते हैं, लग गया है, दो गोलियां तो लग चुकी है उसमें। तो अभी कंटिन्यू गोली मार ही जा रहे हैं, यहाँ पे दूसरे वाला सिलेंडर जो था वो भी ब्लास्ट हो गया है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग रोटेशन लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं बंदे और कहाँ पे मिल जाएंगे हम लोग। ले भाई रेज मोड है भाई, रेज मोड में ब्लड तो काफ़ी तगड़ी लग रही है भाई इसकी, मतलब नॉर्मल मोड की बात करें तो वहाँ पे गोलियां लगती है तो ब्लड उतना ज़्यादा नहीं होता है, बट यहाँ पे देखो रेज मोड करने का, ओ भाई बाइक लेके भाग रहा वो, लग जा भाई लग जा। तो ये अरे 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 जिगर सारे मर जा। तो अभी हम लोग यहीं पे अभी तक पड़े हुए हैं, अभी और भाई पीछे वाले बंदे मेरे को ही गोली मार रहे हैं क्या, और इसका थोड़ा सा बटन कुछ तो दिया हुआ अलग सा। तो बुलेट्स होने चाहिए अभी भी हैं, बहुत बुलेट है हमारे पास, करीबन 72 या 80 के पास है, 80 के तक बुलेट है। तो भाई रेज मोड भाई सही में एक साइको के लिए ये मोड सबसे ज्यादा, भाई बेकर आ जा भाई, तेरे को तो हेड शॉट बजाएगा। तो बंदा नॉक नहीं मतलब फिनिश हो चुका पूरी तरीके से। देख लो भाई कार की हॉर्न स्टार्ट हो चुकी है, भाई पूरा साइको है भाई ये, मतलब और भी बड़ा कि भाई और कौन बंदे हैं, आ जाओ जो भी है। तो यहाँ पे डबल बैरल शॉटगन हमारे पास, अभी देखते हैं कि आगे चल के और कितने बंदे बचे हुए हैं। मार्क पे एक दिख रहा राइट साइड पे, और यहाँ पे और भी बंदे आ चुके हैं,
दो बंदे हैं, तीन बंदे टोटल। ले भाई क्या ही मतलब नेक्स्ट लेवल वाली ब्लडिंग। ओ भाई लेफ्ट साइड से एक, ओ बच गया। आजा 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 आजा, बच गया फिर से भाई। अरे भाई काफी दूर जा रहा हो तो, ये लग जा, गिर तो गया। ओ हो, चिथड़ी भाई चिथड़ी। तो अभी भी दो बंदे लेफ्ट साइड पे है, एक राइट है। शॉटगन की बुलेट भाई इतनी दूर तक, भाई नेक्स्ट लेवल। शॉटगन नहीं है भाई ये आपका गोला है, इसके हाथ में कुछ भी आ जाए मतलब आपका गोला है मेरे हिसाब से। ट्रेवर जो है भाई अभी तक का मेरे को बेस्ट कैरेक्टर लग रहा है मेरे हिसाब से, लगाते हैं इसमें भी। वो भाई शॉटगन के पावर काफ़ी तगड़ी है भाई, मतलब दो बुलेट में भाई व्हीकल को पूरी तरीके से ब्लास्ट कर चुका है। इसी वजह से वो लोग भाग के आए थे, थोड़ी देर के लिए कवर अप कर लेते हैं, हीलअप भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास हेल्थ किट तो इसमें होता नहीं है। आगे जाके देखेंगे, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो भाई इसी हेल्थ पे हम लोगों को खेलना पड़ेगा। तभी भी बंदे बचे हुए, चार पांच बंदे तो मेरे को दिख रहा है। तभी थोड़ा सा हम लोग खोज लेते आगे, उसके बाद रेज मोड लेके निकलेंगे यहाँ से। तो बंदे कहाँ है भाई, दिख ही नहीं रहा, मतलब गोलियाँ तो आ रही है बट स्टिल देखो बंदे नहीं दिख रहे हैं एक भी। तो दिख जाओ भाई, सिर्फ गोलियों की आवाज़ ही आ रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक और गैस सिलेंडर पे आग लगा दी है, वो जब ब्लास्ट होगा तो उसका भी अलग ही एक मजा। ओ भाई अभी भी गोलियाँ आ रही हैं, बंदे हैं कहाँ भाई, अभी भी भाई कहाँ से छिप छिप के भाई, इसमें भी मतलब परेशानी ही है। तो भाई ये तो मतलब अभी भी परेशानी है ड्राइवर पूरे तरीके से। तभी ये जब हम लोग का मिशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक बार चेकआउट करेंगे अपने प्लेयर लिस्ट में कि कितने बंदे हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि चार की जगह वहाँ पे लेस्टर को भी हम लोगों ने चेक नहीं करा था कि लेस्टर हमारे प्लेयर लिस्ट पे आया है या फिर नहीं। तो एक बार इसके साथ ट्रेवर भी देख लेंगे कि ट्रेवर आया या फिर लेस्टर, दोनों में से कौन से बंदे आए या फिर दोनों एक ही साथ इंक्लूड हो चुके हैं। क्योंकि जब लेस्टर आया था तो उस टाइम हम लोगों ने चेक नहीं करा था, बट कोई नहीं, अब आगे जाके हम लोग अगले वाले मिशन पे चेक कर लेंगे कि चारों बंदे हमारे आ चुके हैं या फिर नहीं। क्योंकि अभी स्टोरी काफ़ी बड़ी है भाई, इतनी बड़ी गेम है, करीबन 90 GB की गेम है अगर आप एपिक गेम से इंस्टॉल करोगे तो। हो 90 GB की गेम है तो भाई स्टोरी मोड भी काफ़ी तगड़ी हो जाएगी इसकी। अगर आप नॉर्मली थर्ड पार्टी वाले गेम से अगर देखोगे GTA 5 की, तो वो करीबन 60 GB के आसपास होती है। तो स्टोरी मोड करीबन काफ़ी बड़ी होनी चाहिए इसकी, क्योंकि भाई अगर सैन एंड्रियास तक आप लोगों ने अगर खेला होगा तो उसमें करीबन 100 प्लस थे लेवल्स। तो भाई ये लोग दो बंदे भाग रहे हैं बाइक लेके, इन लोगों को बजाना पड़ेगा। तो अभी भी कोई बंदा है जो गोली मार रहा है, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरा, ड्राइवर से भी ज़्यादा गुस्सा भरा भाई मेरे को। तो वो तो बाइक लेके गया हमारे जो व्हीकल पे है वहाँ पे चला गया है वो, और एक को उन लोगों ने ही बजा दिया है। तो अभी एक जो है वो बचा हुआ, तो रेज मोड हमारा ऑन। भाई कैसे नहीं मरा भाई, मरेगा तू साला मरेगा, मेरे हाथ से रुक जा, उधर से जाके मारेगा तेरे को मैं भाई। मतलब तीन गोलियां भाई, पहले तो व्हीकल मतलब बाइक के पूरे आगे पे लगी थी, वहां पे भी नहीं बचा। रुक रुक जा साले, अब तो पड़ेगा पड़। अरे भाई ये बात, तो अब मात्र मेरे को एक ही बंदा दिख रहा है। और इसकी माँ का ये क्या है भाई, नेक्स्ट लेवल भाई, ये तो ये भी केस है। तो ड्राइवर भाई गुस्से में भी अच्छे काम कर देता है। तो कोई नहीं, अभी अब देखते हैं कि और कितने बंदे बचे हुए हैं, क्योंकि मार्क में तो एक ही बंदा मेरे को दिख रहा है। और ड्राइवर यहाँ पे पूरी तरह से अब गुस्से में है, रेज मोड ले लिए हैं। यहाँ पे बंदा वो दिखचा दिखचा सारा निकल निकल, तो निकल ही नहीं रहा भाई बंदे, क्या ही बोले, अब तो चार बंदे हो चुके हैं यहाँ पे। आजा 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 आजा, तो पांच बंदे अभी बचे हुए यहाँ पे। तो आज पूरी की पूरी काउबॉय गैंग की बजने वाली है 12। आजा, एक तो गया भाई, अब बचे चार भाई। एचपी देख लो एक बार लेस इसकी, ट्रैवर की अब थोड़ी सी ग्रीन हुई है, तो अब थोड़ी सी हम लोग फाइट ले सकते हैं। रेज मोड सही में भाई नेक्स्ट लेवल इसके दी गई है, मतलब क्या ही दिखता है। ओ भाई शॉटगन काफ़ी ज़्यादा झटके दे रहा है भाई, और भाई शॉटगन के क्या ही कहने है भाई, लॉन्ग रेंज भी मतलब काम कर रहा है, शॉर्ट रेंज तो भाई नेक्स्ट लेवल अलग ही है इसके। तो अब मात्र एक बंदा बचा हुआ है, इसको भी लेते हैं एक गोली पे।
तो वहाँ पे मेरे को हेल्थ किट दिख रहा है ऊपर पे, वो जो ब्लिंक कर रहा होगा आप लोगों को भी दिख रहा होगा, उसको भी उठाना है। पांच बंदे अभी भी है, थोड़ा सा वो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं ब्लू, स्काई ब्लू टाइप के हो रहे हैं। अगर स्काई ब्लू हो जाएंगे तो हमारे टीम के मेंबर बन जाएंगे वो लोग। तो यहाँ पे हेल्थ हम लोगों का फुल हो चुका है, तो एक बंदा बचा हुआ है मात्र जो कन्वर्ट नहीं हुआ है अभी तक हमारे गेम के लिए। तो बाकी बस जितने भी यहाँ पे कावे के बंदे थे वो लोग हमारी टीम के लिए अब काम करेंगे। लास्ट बंदा बचा हुआ है, ये अभी सोच रहा है कि क्या होने वाला है इसके साथ, तो इसको हम सोचने नहीं देंगे। वो देखो भाग रहा है डर से, डर बड़ी चीज है, डर बहुत बड़ी चीज है दोस्त। दोस्त ये दर्द तुम्हें कैसा लगा? ये तुम्हें उस दुनिया पे ले जाएगा जहाँ पे कोई दर्द नहीं होता। तभी यहाँ पे हम लोगों ने पूरा का पूरा क्रू काउबॉय गैंग को फिनिश कर दिया है। तो यहाँ पे अब तो भाई इतनी ज़्यादा इसकी मतलब चल रही है ना अभी, कि अगर माइकल अभी इसके सामने प्रकट हो गया ना कहीं पे, तो ये उसको फरकट कर देगा तुरंत। तो अब यहाँ से व्हीकल लेकर निकलते हैं। तो भाई ये मतलब पूरा गुस्से में भाई बन, और पीछे पीछे वाले को बोल दिया है कि भाई स्टिक बम और उस माइकल को खोज के आओ। तो भाई अब तो ट्रेवर नेक्स्ट लेवल वाले गुस्से में है। तो अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट वाले लोकेशन पे। तो भाई अभी देखेंगे। तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि भाई यहाँ पे देखो, पिछले वाले जो पहला हम लोगों का एपिसोड था उसमें लेस्टर भी बच चुका है और माइकल भी बच चुका है और ट्रेवर भी बच चुका है। तो भाई बंदे मरे कौन? ड्राइवर साहब मर गया एक, चलो ड्राइवर साहब पैसे पुलिस वाले ही लेकर चले गए, सबसे बड़ी बात तो यह है। तो अभी नेक्स्ट वाले लोकेशन पर हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे देखते हैं कि अब कौन सा बंदे को उड़ाना है। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी क्या आने वाला है। तो भाई बिल्कुल बस के सामने कोई बंदा है वहाँ पे। ओ भाई लेस्टर मतलब सही में भाई, देख लो एक बार इसका कारनामे, ये तो मेरे को लग रहा है कि उसको उड़ाने वाला है। तो यहाँ पे पूछ दे ट्रॉली इनटू द रिवर। तो भाई इसको आप सड़क से लेकर चलते हैं नीचे पानी साइड पे, और वो बंदा भाई क्या ही मतलब कूद जा भाई खिड़की उड़की से, गाड़ी पे ही कूद जा तू। तो भाई मतलब ट्रेवर के सामने कुछ नहीं है। तो अब इसको जोरदार वाले हमने ठक्के देने वाले हैं। भाई चल निकल ले एकदम। अब देखो जब इसके पास गेट था तो भाई शुरू में ही कूद जाता। तो ये बंदा कौन नहीं मालूम मेरे को, बट ट्रेवर भाई पूरा दिमाग खराब है। तो भाई अब क्या है कि ट्रेवर ने भाई इस जो एरिया है यहाँ की जो गन की जो सप्लाइंग वगैरह होती है वो उसका ये मेन डीलर है, और लेस्टर ने इसको अभी धमकी दी है कि भाई अब से यहाँ पे जितने भी काम होंगे ये लेस्टर के थ्रू होगा, तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो भाई न्यूज़ रिपोर्ट देखने से पहले तो लेस्टर पूरी तरह से शांत था, बट न्यूज़ रिपोर्ट देखने का भाई हालत खराब। तभी हमारे पास दो ऑप्शन है, इसको छोड़ दें या फिर मार दें। तो मेरे को इंटरेस्ट है नहीं बिल्कुल भी, ये रहेगा तो कुछ ना कुछ उंगली करते रहेगा, तो इसको ले ही लेते हैं। क्योंकि भाई अगर बंदा बचा हुआ रहेगा ना तो अंदर से होता है थोड़ा सा बढ़ाता रहता है, इस वजह से इसको हम लोग उड़ा दिए, क्योंकि आगे चल के हम लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं देगा। तो अब हम लोग अपने ट्रैक पे चलते हैं वापस, और यहाँ पे चलेंगे अपने घर के साइड। तभी देखते हैं घर साइड पे जाते और भी किसी को बजाना है क्या। तो भाई इसने अब मतलब स्टार्ट कर दिया है अपना एरिए पे थॉस जमाना। तो ट्रेवर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन मेरे को लग रहा है इस गेम पे, क्योंकि भाई अकेले बंदे ने पूरा का पूरा गैंग बैंग तबाह कर दिया, और जो यहाँ पे जितने भी गन्स के सप्लायर्स होते हैं भाई उनकी जो ऑनरशिप है इसने ले ली है अकेले बंदे ने। मतलब साइको तो है भाई, मतलब लुनेटिक अंपायर हो गया ये। तो अभी लगता है कि और कितने दूर तक छा पाता है ये, और आगे वाले मिशन पे क्या क्या करना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि भाई साइको है बोलना मुश्किल है, ये बंदा कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट लेवल वाली इसकी फीलिंग आ रही है मेरे को अब। और ये अभी तो देखना है सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो माइकल को इतने पागलों की तरह ढूंढ रहा है ना, माइकल मिलने के बाद माइकल के साथ करता क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है। क्या वहाँ पे दोस्ती अपनी पुरानी वाली रहेगी, या फिर माइकल को ये फिनिश करने का चक्कर में रहेगा, क्योंकि जितने गुस्से से वहाँ पे निकला था ना भाई, अगर काउबॉय की जगह अगर माइकल रहता ना तो उसकी भी बजा देते इतने गुस्से में। तो कुछ ना कुछ तो एक्शन होने वाला है भाई, तो उस एक्शन को अगर देखना है आप लोगों को
तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर लो चैनल को। वीडियो पसंद आएगी तो भाई लाइक कर सकते हो, और पिछले एपिसोड अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो क्या कर रहे हो भाई, चैनल पे जाओ, बैक साइड अगर खोल लेते हो तो ठीक है वीडियोस के अंदर, नहीं तो भाई प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे आप लोगों को GTA का एक फोल्डर दिख जाएगा, GTA के अंदर ही GTA का GTA ही भरा हुआ है भाई, फुल GTA 5 है ठीक है। तो ये है हमारे ट्रेवर का घर, बस के अंदर घर, तो काफ़ी अच्छा घर है, तो बंदे ने पार्क तो कर दिया है। ये है उसका घर का बेडरूम भाई, काफ़ी ज़्यादा कूड़े टाइप का लग रहा है, टीवी भी तोड़ रखा है बंदा भाई, पूरा पूरा साइको है। एक और टीवी है जो चल नहीं रहा है, उसकी भी माँ बहन करके रख दी है इसने, और भाई हर एक जगह सिर्फ नशीले पदार्थ ही मेरे को दिख रहा है इस रूम पे, देख लो भाई खून ही खून गंजी में। तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वाले एपिसोड को, तब तक के लिए बाय बाय।